हरि ओम आदेश आदेश। मैं ओगट कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे YouTube चैनल के जो भी टोने टोटके यंत्र तंत्र मंत्र जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके तंत्र मंत्र यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो YouTube चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा YouTube चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता पिता की हमेशा सेवा करें। माता को माता समझे, बहन को बहन समझे, भाई को भाई समझे। सब अपने मन में हमेशा दया की भावना रखें। आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि कब और कैसे और किस तरह से भगवान शिव भोले को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि का भगत बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। महाशिवरात्रि 8 मार्च 2023 को, 8 मार्च 2024 वार शुक्रवार को महाशिवरात्रि है, यानी 8 मार्च 2024 वार शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। इस दिन महाशिवरात्रि पर अगर हम इस तरह से भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए क्रियाएं आजमाते हैं तो हमारे को भोले का पूर्ण आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा के लिए रहता है। तो ध्यान से सुनिए, फाल्गुन कृष्ण पक्ष 13 तिथि को महाशिवरात्रि है, यानी 8 मार्च 2024 वार शुक्रवार को महाशिवरात्रि है।
इस दिन आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। अगर आपको कहीं शमशान में शिवलिंग मिल जाता है तो बहुत 1000 गुना बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको शमशान में शिवलिंग नहीं मिलता है तो आप कहीं भी अपने गांव के आसपास में या अपने खेतों में कहीं भी शिवलिंग का स्थान अगर आपको मिल जाता है वहां पर आप ये सामग्री लेके अवश्य जाइए, ताकि आपको पूर्ण तरह से पूजा करने में सफलता मिले। क्योंकि सामग्री अगर अधूरी रहेगी तो सफलता पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। सामग्री क्या क्या लेना है? जनेऊ जोड़ा 1, 21 बिलपत्र, 1 बिलपत्र का फल, थोड़ी सी घास, थोड़ी सी डाब, 2.25 लीटर दूध देसी गाय का और 2.25 लीटर पानी और 0.5 लीटर गंगा जल और सफ़ेद चंदन और दाखा बादाम काजू और मीठा बना हुआ मावा यानी सफ़ेद मिठाई, ये सारी चीज़ें आप और एक लोटा चाहे स्टील का हो चाहे किसी का भी लोटा साथ में लेकर अवश्य जाएं। ये सारी सामग्रियां लेकर आपको महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिन में सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का बहुत शुभ और अति लाभदायक शिव पूजन का मुहूर्त है। 1 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक दिन में। अगर रात्रि में करते हो तो रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में महाशिव पूजन कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिए, अब सारी सामग्री लेकर शिवलिंग के पास में अवश्य आप जाइए। सर्वप्रथम लोटे में जल लेकर के शिव जी को अच्छी तरह से स्नान कीजिए। स्नान कराने के बाद में उसके ऊपर थोड़ा गंगा जल डालिए। फिर 2 लोटे लेकर दोनों लोटों में जल भर लो या एक को साथ में लेकर अवश्य जाए भाई को। उस लोटे में जल भर के शिव जी के अखंड धारा चलानी है। कम से कम ज्यादा नहीं तो आपको 21 मिनट तक अखंड जल धारा चढ़ानी है। जैसे एक लोटा जल का खत्म हो जाता है तो तुरंत धार खत्म नहीं होने से पहले ही दूसरी धार चालू करें। ऐसे 21 मिनट तक जल धारा अखंड चलानी है। उसके बाद में 21 मिनट तक दूध धारा अवश्य चलानी है। उसके बाद में फिर आपको 21 मिनट तक जल धारा फिर वापस चलानी है। फिर अच्छी तरह से जल चढ़ा करके पूरा साफ करके फिर आपको क्या करना है, सफ़ेद चंदन में थोड़ा पानी मिला के शिवलिंग के उत्तर की दिशा की साइड में लिंग पर त्रिपुंड बनाएं। त्रिपुंड बनाने के बाद में ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर ओम लिखे, ऐसे ओम सफेद चंदन से लिखे। फिर उसके ऊपर एक चंद्रमा का निशान बना दीजिए। फिर आप जो मीठा मावा मैंने बताया है उस मावे को जहां आपने त्रिपुंड बनाया है, जहां ओम बनाया है, जहां चंद्रमा बनाया है, वहां पर मीठा मावा थोड़ा थोड़ा चारों तरफ लगा करके उसके ऊपर एक एक बादाम अवश्य चिपकाएं, यानी त्रिपुंड पे भी चिपकाएं, ओम पे भी चिपकाएं और चंद्रमा पे भी ये बादाम चिपकाएं। फिर उसके बाद में थोड़े से गुलाब के फूल आप चढ़ा दो, फिर जनेऊ चढ़ाओ, फिर घास चढ़ाओ, फिर सारी चीजें चढ़ाओ। फिर लास्ट में बचते हैं बिलपत्र। बिलपत्र का जो चमकीला हिस्सा होता है, यानी निचले हिस्से पे नहीं, चमकीला जो हिस्सा होता है बिलपत्र का, उसके ऊपर सफेद चंदन से अपनी अनामिका उंगली से ओम लिखे। 3 बिलपत्र के 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्तों पर ओम लिखे। ओम लिखने के बाद में उस बिलपत्र को चमकीला जो हिस्सा है वो शिवलिंग के ऊपर रखना है और खुरदरा हिस्सा ऊपर रहना चाहिए। ऐसे सब बिलपत्र पे ओम लिख के ओम लिख के ओम लिख के 21 बिलपत्र को एक जगह शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। फिर आराम से आप अपने ध्यान में जाकर या गुरु महाराज के ध्यान में जाकर के ओम नमः शिवाय का भी 31 मिनट तक जप करें। ओम नमः शिवाय का जप नहीं कर सकते हो
तो महामृत्युंजय का भी जाप कर सकते हो। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। ऐसे कीजिए, अपना जो हाथ है यहां पर रख लीजिए अपने नीचे वाले होंठ के बराबर, ऐसे ऐसे मुद्रासन बना करके बोलना है, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मर्त्योर्मुक्ष्ये महामृतात्। अगर आप बीज मंत्र करते हो तो ओम जूं सह, ओम जूं सह, ऐसे भी आप करते हो। और गायत्री महामृत्युंजय करते हो तो ऐसे करना है, कर्पूर गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मर्त्योर्मुक्ष्ये महामृतात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ऐसे आप महाशिवरात्रि के दिन में अगर इस तरह से शिव पूजन करते हो, ये सारी सामग्रियां चढ़ाने के बाद में, तो आप समझो भोले का पूर्ण रूप से हमारे सर के ऊपर आशीर्वाद है। तो सचेत रहें, अच्छी तरह से करें ताकि भोला आपके ऊपर सदा सदा के लिए प्रसन्न रहे। हरिओम आदेश।